हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास हम लोग जानने वाले हैं, वह जानने वाले हैं डाटा वैलिडेशन के बारे में। तो हमने पिछले क्लास में डाटा वैलिडेशन के बारे में समझाया था और बताया था, कुछ पॉइंट्स बाकी थे जो आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हम एक्सेल को ओपन करते हैं और उसको एक एक करके समझते हैं। देखो, कल हमने हेडिंग जो दिया था वह दिया था नेम, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद वाला सब हम बता दिए थे। बोलिए। तो मैं सोच रहा हूं कि जो नेम और एड्रेस का जो मैं हेडिंग दिया हूं उसमें केवल टेक्स्ट लिखा जाए, नंबर न लिखा जाए। तो देखो, इस समय अगर हम लिख रहे हैं नंबर, एक्सेप्ट कर रहा है, टैक्स एक्सेप्ट कर रहा है, नंबर एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूं कि कुछ ऐसा कर दूं कि इस सेल में केवल टेक्स्ट ही लिखे, अगर नंबर लिख रहे हैं तो नंबर टाइप नो, इनवैलिड डाटा बनाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग डाटा वैलिडेशन का प्रयोग करके इसमें वो कंडीशन लगा सकते। हाँ, दोनों एक में मिक्स करके लिखोगे तो काम करेगा, ठीक है, टाइप होगा। लेकिन केवल नंबर टाइप करते हो, अच्छा केवल टेक्स्ट टाइप करते हो तो कंडीशन के हिसाब से काम करेगा। तो चलो, इसमें नेम में केवल हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, एड्रेस में भी टेक्स्ट लिखते हैं, इसीलिए हम दोनों को सेलेक्ट कर लिए। और दोनों को सेलेक्ट करने वाले से चले जाएंगे डाटा टाइप, और डाटा टाइप में आने के बाद आ जाएंगे कहाँ पे, डाटा वैलिडेशन पे। और इस बार हमें आना है अलाउ को छोड़ के कस्टम, मतलब कस्टम में अपने हिसाब से फार्मूला क्रिएट करते हैं। कस्टम में हम अपने हिसाब से फार्मूला क्रिएट करते हैं। तो कस्टम में आए, फार्मूला कर दिया इक्वल इज टेक्स्ट, क्या लिखेंगे, इक्वल इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद से कोई पार्टिकुलर एक सेल सेलेक्ट कर लो। अरे यार, अब इससे कितना अच्छा रहा, ये यहाँ पे ऑप्शन होगा कहाँ जूम होगा, ये तो इतना ही दिखेगा। एक किसी सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, उससे तो अच्छा ही है यार, उसमें नहीं दिखता, इससे तो अच्छा ही है, बंद कर देंगे और कर देंगे यहाँ पे ओके। जैसे ओके करेंगे फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, यह केवल जूम होगा, यह ऑप्शन तो सेम वही से ही आएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं लिख रहा हूं नंबर, नहीं अप्लाई हो रहा है, लिखा टेक्स्ट नंबर, अगर टेक्स्ट नंबर दोनों तब ले लेगा, नंबर टेक्स्ट ले लेगा जी, मतलब सिंबल तो अलाउ ऐसे करेगा ही करेगा, काम करेगा। देखो, नहीं, वो तो रहा है, यस करके चल जाएंगे आगे, हो जाए, बढ़ने दे रहा है। मतलब इसमें अगर पार्टिकुलर कोई इस्तेमाल करते हैं तो उसमें दिक्कत होगी, तो ये तरीके हैं, वो टेक्स्ट से रिलेटेड ही है, उसके लिए परमिशन दे रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको कर सकते हो, इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इज टेक्स्ट। आप कहो सर, इज टेक्स्ट होता क्या है। देखो, हमने यहाँ लिख दिया राम, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, ये करता कैसे काम करता है, राम नंबर, रोहन नंबर, तो ये जो फार्मूला होता है ना, ये चेक करता है कि टेक्स्ट है तो बताएगा ट्रू, नंबर है तो बताएगा फाल्स। तो लिखेंगे इक्वल इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन वैल्यू सेलेक्ट ब्रैकेट बंद, क्या आया वहां पर, ट्रू, और उसके बाद नीचे क्या आया, फाल्स, ट्रू फाल्स। मतलब इज टेक्स्ट इसीलिए लगाए हैं कि तुम चेक करो उसमें नंबर लिखा जा रहा है कि टेक्स्ट लिखा जा रहा है। तो जब नंबर लिखा जा रहा है तो एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है, वैलिडेशन लगा दिया, और जैसे टेक्स्ट लिख रहे हैं तो ट्रू कर दे रहा है, तो इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझ रहा है ना, इसीलिए वहां पे इज टेक्स्ट लगाया है। देखिए, ऐसा नहीं कोई फॉर्मूला लगा दोगे वो काम करने लगेगा, इज टेक्स्ट नंबर को और टेक्स्ट को पहचानता है,
अगर टेक्स्ट हो तो कहेगा ट्रू, नंबर हो तो बताएगा फाल्स। लेकिन यही पे हम लगा देते इक्वल इज नंबर, इक्वल इज नंबर। तो इज नंबर क्या करता है, नंबर को चेक करता है। जहां पे नंबर होता है वहां पे बताएगा ट्रू, जहां पे टेक्स्ट होगा वहां पे बताएगा फाल्स। तो यहां पे आएंगे और ब्रैकेट को बंद। तो अगर सिंगल इस्तेमाल करो उतना बेटर नहीं है, इसीलिए हम किसके साथ इस्तेमाल किए हैं, वैलिडेशन के साथ। तो वहां पर बेटर तरीके से काम कर रहा है। देखिए फाल्स बता दिए, ट्रू फाल्स, ट्रू फाल्स, समझ ना। तो ऐसे काम करता है, इसीलिए ऐसा काम किया है। अब मान लो इसमें केवल नंबर अलाउ करना है, तो सेल को सेलेक्ट किया और डाटा वैलिडेशन में और कस्टम में लिखेंगे इक्वल इज नंबर, ब्रैकेट ओपन, सेल को सेलेक्ट, ब्रैकेट बंद, कर देंगे ओके। अब देखिए राहुल, नंबर तो ले लेगा जो टेक्स्ट पहले चालू किया ना, नंबर टेक्स्ट, ये अच्छा काम कर रहे हैं। टेक्स्ट नंबर, नंबर ये केवल नंबर को अलाउ कर रहा है, टेक्स्ट नहीं ले रहा है, और टेक्स्ट नंबर तो भी अलाउ नहीं कर राउंड अप। हाँ इस टेक्स्ट में पूरा ले ले रहा है, लेकिन ये नंबर करा नहीं, नंबर है केवल लेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मिक्स करोगे तो भी अप्लाई नहीं करेंगे, समझे। तो लिखो पहले इसको, तब आगे बढ़े। इनपुट मैसेज एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको गलती करने से पहले मैसेज दे। देखिए कैसे, जैसे मान लो जब हम लिख रहे हैं यहाँ पे नंबर, तब ना हमको ये क्लियर हो रहा है रियल में वो लग रहा है कि कुछ लिमिट सेट किया गया है जिसमें नंबर अलाउ नहीं है, और टेक्स्ट आ जा रहा है, ये अनुमान लगा रहा है। हम सोच रहे जैसे सेल में सेलेक्ट करे तुरंत मैसेज दे दे, ओनली टेक्स्ट अलाउ, ओनली नंबर अलाउ, तो कितना अच्छा रहेगा, गलती करेंगे नहीं। तभी भी गलती करते तो बाद में हमको दिक्कत होगा, तब हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस रेंज को फिर से सेलेक्ट करते हैं जिसमें फॉर्मूला लगाया है, और आ जाते हैं फिर से कहां से, डाटा वैलिडेशन, और वहां पे आ जाते हैं इनपुट मैसेज, और टाइटल में ले लेते हैं वैलिड डाटा, और इनपुट मैसेज में हमने बोल दिया ओनली टेक्स्ट अलाउड। ओके कर दिया। तो देखो जैसे हम कहीं क्लिक करके लिखिएगा वैलिड डाटा, ओनली टेक्स्ट अलाउ, ओनली टेक्स्ट अलाउ, ओनली टेक्स्ट अलाउ। अब गलती करते हैं तो फिर से लास्ट हमको मैसेज देगा जैसा मैसेज देना है, समझे। अब सोच रहे जो लास्ट में मैसेज दे रहा है कि द वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड, ये भी मैसेज मेरे हिसाब से दे, मेरी रिक्वायरमेंट के आधार पे दे, तो इसको भी हम सेट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, फिर से उस सेल को सेलेक्ट करना होगा, और सेल को सेलेक्ट में जाना होगा डाटा वैलिडेशन में, और एरर अलर्ट। अब एरर अलर्ट पे आते हैं तो तीन ऑप्शन दिखाई देता है, स्टॉप, वार्निंग, इंफॉर्मेशन। स्टॉप में पूरा रोक देगा, वार्निंग में केवल वार्निंग देके छोड़ देगा, इंफॉर्मेशन में केवल इंफॉर्मेशन देके भी छोड़ देगा। मतलब ध्यान देना, स्टॉप पे कहता जो लगाया वही अप्लाई होगा, वार्निंग में आपको सचेत करेगा एक बार भाव मान जाओ, ठीक है, फिर भी नहीं मानोगे कर लोगे कोई बात ही नहीं, बाद में खुद पछताओगे, और इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन देगा, उसके बाद आप एक्सेप्ट कर सकते हो और रिसेप्ट क्या है रिजेक्ट कर सकते हो। चलिए तो हम करते हैं पहले स्टॉप, और कर देते हैं वैलिड डाटा, इनपुट मैसेज में सेम यही मैसेज, ओके। अब देखिए यहां पे दिखाएगा ही दिखाएगा, गलती से भी गलती हम टाइप कर दिए यहाँ पे नंबर, फिर तो मैसेज देगा ओनली टेक्स्ट अलाउ, समझे। जो हमारा सॉफ्टवेयर दे रहा था अब वो हम अपने हिसाब से दे दिए, तो ये मतलब होता है इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट का। एरर अलर्ट जो बाद में एरर दे रहा है वो अपने हिसाब से एरर दे सकते हैं, इनपुट मैसेज सेल में क्लिक करते ही मैसेज दे दे। जैसे यहाँ पे नंबर है तो सेलेक्ट करेंगे डाटा वैलिडेशन, इनपुट मैसेज, और कर देते हैं क्या वैलिड डाटा, आपकी मर्जी आप बना लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बता दिया ओनली
नंबर है लो। ओके आ देखिए बता रहा ना ऐसे मैसेज देखे फिर से यहाँ पे वही सेम पॉइंट ग्ली एरर अलर्ट पेस्ट वैलिड। ओके देखिए गलती से मैंने टाइप कर दिया टेक्स्ट कर ओनली नंबर अलाउ समझे। तो ऐसे कंडीशन में आप यहां से बता सकते हो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलो स्टॉप तो बता दिया उसमें और ऑप्शन उसका क्या मतलब है। अब इस बार लेते हो वार्निंग। वार्निंग मतलब क्या है जिसको कोई काम करो मैं सचेत कर दिया बाबू मान जाओ मत करो फिर कोई जरूरी तुम नहीं करोगे फिर भी गलती करोगे तो उसमें पीटे जाओगे आपका ही नुकसान होगा ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा तो वार्निंग हमने दे दिया कर दिया ओके। अब इस बार अगर मान लो हम गलती से लिख देते टेक्स्ट तो आपको इनवैलिड नहीं बताएगा वार्निंग देगा क्या ओनली नंबर अलाउ कंटिन्यू यस नो कैंसिल या हेल्प। तो हम चाहेंगे तो यस भी कर सकते हैं और चाहेंगे तो नो भी मतलब वार्निंग दे दे रहे हैं। एक्सेप्ट करना तो एक्सेप्ट करो रिजेक्ट करना रिजेक्ट करो आप फिर बाद में पछताओगे जब पिटाओगे तब तो। ठीक है तो मैंने कर दिया नहीं नहीं अलाउ करना है तो नो यस कर देंगे तो ये ले लेगा समझे। और अगला है क्या इंफॉर्मेशन बात हुई है बस ओके कर देंगे बस ले लेगा बस खत्म वार्निंग दे रही है कैंसिल करना था कैंसिल कर दीजिए समझे। तो सबसे किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग जी स्टॉप का मतलब इसमें चेंज नहीं करते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे बताया आपको। तो देखो सेटिंग पढ़ा दिया इनपुट मैसेज बता दिया और एरर अलर्ट बता दिया कि कैसे किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं कैसे नहीं करते कोई दिक्कत हो जाएगा ठीक है। हाँ कई लोग अभी भी दिक्कत हो रहा होगा सर इसका प्रयोग हम लोग कहाँ